हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि अपने फार्मेसी के सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो अपना खुद का मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, बट मेडिकल स्टोर के अंदर क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एक कंसर्न बनता जा रहा है आज के कंपटीशन को देखते हुए। बहुत सारे लोगों के पास कस्टमर एक प्रॉब्लम है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि अच्छे लोकेशन पर नहीं है, कस्टमर का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू इन द सेंस बड़ा परचेज नहीं कर पा रहा है कस्टमर, राइट। तो क्या क्या चीज़ें हम फार्मेसी के अंदर कर सकते हैं फ्रेंड, जिससे हमारे फार्मेसी का सेल बढ़ सके, कस्टमर को मैं ज़्यादा अटेन कर सकूं, मतलब ज़्यादा बुला सकूं, ज़्यादा कस्टमर मेरे यहाँ आए, एज वेल एज कस्टमर रिटेन करें, मतलब जो आए बार बार आए, ऐसा नहीं आया लेके गया अब दोबारा आ ही नहीं रहा है, दोबारा कहीं और लेने जा रहा है। कौन कौन सी चीज़ें आपको फार्मेसी में करनी चाहिए, जल्दी जल्दी करके समझते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं आप फार्मेसी के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सेल तुरंत ही डबल हो जाएगा, राइट। अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है, आपकी सेल ओवर द टाइम फ्रेंड इंक्रीज हो जाएगी, एंड यस अपने कस्टमर का जो रिटेंशन है ना, उसको भी आप इंडेफिनेट सी बात है इंक्रीज कर पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है OTC कैटेगरी। अभी OTC कैटेगरी बहुत बड़ा हो गया। OTC कैटेगरी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक OTC कैटेगरी वो जो आप जानते हैं, ठीक है, जो आपको मिल जाता है होलसेलर के यहाँ देखने को मिल जाता है, मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो ट्रेडिशनल OTC है। एक तरीका ये है, एक पोर्टफोलियो आपको ये मेंटेन करना है। एक दूसरा मॉडर्न OTC मेंटेन करना है। मॉडर्न OTC क्या है? मॉडर्न OTC फ्रेंड वो है, आप अगर थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो वहाँ देखिए जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं ना, वो ट्रेंडिंग में चलते होते हैं, उनकी बहुत बढ़िया सेल होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, आवर लिटिल जॉयज करके एक कंपनी है, अभी रिसेंट में लॉन्च हुई, रिसेंट ना एक साल हुई लॉन्च हुए, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर पर्सन उसको ऑनलाइन परचेज कर रहा है, वो ऑफलाइन में अगर उसको देखने को मिल जाता है कहीं फार्मेसी पे, तो वो उसको परचेज कर लेगा, राइट। अब ऐसा अगर आप करेंगे तो आप अपने एरिया के अंदर यूनिक ऐसे पर्सन होंगे जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, राइट। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो ऑनलाइन मिल रहा है, उसी प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन में भी अवेलेबल करा रहे हैं, अगर वो अच्छा चल रहा है तो। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराना चाहिए और वो अच्छा चल रहा है? ये पता चलता है फ्रेंड उसके सेल से। जैसे आवर लिटिल जॉयज के ऊपर जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको सेल दिखाएगा, यार 1 लाख लोगों ने खरीद लिया है इसको, 2 लाख लोगों ने खरीद लिया है, इससे पता चलता है कि यार बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है। सेम उसी प्रोडक्ट का डिस्प्ले आप अपने यहाँ भी कर सकते हैं, या कस्टमर जो आता है उसको बच्चे को पोटेज अवर लिटिल जॉयज की बात करते हैं कि प्रोटीन पाउडर है, तो उसके बारे में आप अपने कस्टमर को बता भी सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक यूनिक प्रोडक्ट फ्रेंड ऑनलाइन सेल हो रहे होते हैं, जिसके बारे में लोग जानते तो है बट वो ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो बाउंड हो जाते हैं ऑनलाइन लेने के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको ऑफलाइन में अवेलेबल कराता है एंड उसके बारे में बताता है, तो वो सेल कर सकता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी को पूरा एंजॉय कर सकता है, राइट। तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पहला। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हैव अ गुड लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी फार्मेसी सही लोकेशन पर नहीं है, जहां फूटफॉल अच्छा नहीं है, जहां लोग रुकते नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब आप फार्मेसी ओपन करने जा रहे हैं, लोकेशन का बहुत ध्यान रखिए। फार्मेसी एक्चुअली लोकेशन का ही बिजनेस है, अंडरस्टैंड। अगर आप लोकेशन सही है ना, होलसेल कर सकते हैं, बट अगर फार्मेसी में लोकेशन सही नहीं मिली, देन क्या है कि आपको भाई प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर, राइट। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो है सर्जिकल आइटम। इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सर्जिकल आइटम देखो हर कोई नहीं रखता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं चेयर की बात करूं, बेड की बात करूं, ग्लूकोमीटर तो चलो रख लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोमीटर थर्मामीटर हर कोई रखता है, लेकिन बहुत सारे सर्जिकल आइटम आते हैं जो बैक को सपोर्ट देते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है उसके सपोर्ट के लिए आते हैं। एक हॉस्पी रेंट करके कंपनी आपने देखा होगा, उसके जैसे बहुत सारी और भी कंपनी है, बट हॉस्पी रेंट क्या करता है, होम यूजेज के लिए हॉस्पिटल वाली चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है। तो हॉस्पी रेंट का आप एजेंसी ले सकते हैं या उनके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, उसके जैसे तो दूसरी कंपनी है उसके भी गुड्स लेके बेच सकते हैं, एंड यस उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कई सारे लोग बैक सपोर्ट बेचते हैं, पेन के लिए मसाजर बेचते हैं, लेकिन वो अपने में ऐसे स्टोर में ऐसी जगह रखे हुए हैं ना, जहां वो खुद ही जानते हैं कोई मांगेगा तो दे देंगे, बट उसके लिए डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। भाई एक बढ़िया सा मसाजर लगा हुआ है और उसका डेमो वीडियो आपके TV के ऊपर चल रहा है, तो ऑनलाइन जाके क्यों परचेज करेगा कोई? आपके यहाँ परचेज करने आया है, देखेगा हाँ यार इससे पेन रिमूव होता है। भाई लो बैक पेन तो स्पॉन्डिलाइटिस की पेन आजकल हर घर में कॉमन हो गया है, आदमी आता है निगाह जाता है आपके यहाँ परचेज कर सकता है, राइट। इस तरह से आप प्रोडक्ट को अरेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद है बैलेंस अबाउट द जेनरिक एंड एथिकल मेडिसिन। ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में ऐसा है नहीं कि आप जेनरिक ही जेनरिक दे रहे हैं,
आप जेनेटिक मेडिसिन भी दे दीजिए, इसके साथ आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ यूनिक, चाहे पीसीडी वाली कंपनी की मैं बात करूँ उसके ब्रांड आप ले लीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम करेगा, आपको मोनोपोली क्रिएट करके देगा। बस जो आप बेच रहे हैं आप ही बेच रहे हैं, दूसरा नहीं बेच रहा है, कस्टमर रिपीट होकर आपके पास में आएगा। लेकिन हाँ, इसको लेते समय आपको ये ध्यान रखना है भाई क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जहाँ भी आप जुड़ रहे हैं, जहाँ भी आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं फ्रेंड, तो वो है आप डॉक्टर अपने यहाँ रख सकते हैं, अपने क्लिनिक के अंदर पॉली क्लिनिक टाइप का बना के आप चाहो तो डॉक्टर भी बैठा सकते हो, उससे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है। इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि डॉक्टर को अगर मेरे अपने केमिस्ट शॉप में बैठाना तो उसके लिए क्या किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड जनरली तो बैठाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर एक क्लिनिक की तरह प्रैक्टिस करता है जो कि कर सकता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसके अंदर आप ट्रीटमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो मेरी जो हॉस्पिटल आपका फार्मेसी जो शॉप है उसके आजू बाजू में दो तीन कमरे का पॉली क्लिनिक टाइप का बनाना चाहते हैं, दो तीन डॉक्टर को बैठाना चाहते हैं, बेड लगाना चाहते हैं जिसमें ग्लूकोज वगैरह चढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए क्या करें, डॉक्टर के नाम पे आपको एक पॉली क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि आपको सीएमओ के यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप अपने सीएमओ ऑफिस में जाइए, ऐसा टाइप मैं पॉली क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, इसके लिए क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप दे सकते हैं। बेसिकली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कौन सा डॉक्टर वहाँ पे बैठेगा, कौन सा वहाँ पे नर्स रहेगा, स्टाफ कितने लोग रहेंगे, मतलब डॉक्टर कौन कौन से रहेगा, उसकी डिग्री वगैरह लग जाएगा, उसका सर्टिफिकेट वगैरह लग जाएगा, सपोर्टिंग स्टाफ कौन सा रहने वाला है, फार्मासिस्ट कौन सा रहने वाला है, नर्सिंग स्टाफ कौन सा रहने वाला है, साफ सफाई वाला कौन सा रहने वाला है, ये तीन चार पाँच चीज़ों की चीज़ें लगती है। आप जिस भी बंदे को आप रखना चाहते हो उसका नाम वहाँ पे दे दो और उसके भेज दो सीएमए ऑफिस में, जुगाड़ कर लो, हो जाती है सारी चीज़ें। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉली क्लिनिक का बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था, ये इसका बेसिक प्रोसीजर होता है, सीएमओ ऑफिस से ये चीज़ हो जाती है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मेडिकल स्टोर पर ओपीडी कैंप टाइप का बीच बीच में कोई एक, मान लो आप वीकली या मंथ में एक डॉक्टर को किसी को बैठाते हो, जैसे कि मान लो मैं डर्मा को एग्जांपल लेता हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट आप बैठाते हैं, तो मंथ में एक बार उनके साथ एक ओपीडी कैंप कर लीजिए जहाँ पे आप निःशुल्क जो है या कम दामों पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जेनरिक वगैरह दे सकते हैं, या फिर उसका जो चेकअप है, जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन फी है उसको फ्री कर दीजिए, कि भाई देखने का कोई फी नहीं लगेगा, दवा जो परचेज करेंगे उससे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब दवा में आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, फीस फ्री होगा, इस टाइप की चीज़ें भी फायदा करती हैं। लेकिन हाँ, इसके ये तभी फायदा करेगा जब आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छी पकड़ हो, मतलब अगर आप सिटी में करने जाएंगे तो ये कई बार डिफिकल्ट आता है, गांव में अच्छा खासा इसका ट्रैफिक आ जाता है, या सिटी में आपके लिंक बहुत अच्छे हैं तो उस केस में आता है, अदरवाइज क्या होता है कि आता तो है कस्टमर फ्री में लेके जाता है, बाद में लेना होता तो कहीं और चला जाता है, राइट। ये इस टाइप की प्रॉब्लम आती थी, जब भी आप इस टाइप की करेंगे क्योंकि खर्चा आएगा तो ध्यान में रख के तब करिएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं फ्रेंड, तो आप क्या है, आप वेइंग मशीन अपने जो फार्मेसी शॉप है वहां पर लगा सकते हैं। वेइंग करने का ना, वेट करने का सबको बहुत शौक होता है, बीपी चेकअप है, वेट मशीन है, ये फ्री में करिए, फ्री में सर्विस दीजिए। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपके यहाँ अगर वो परचेज वेट करने के लिए आ रहा है, आपने अलग एक स्पेस बना दिया, अगर आप फार्मेसी में आपके स्पेस मिलता है जहाँ पर आपने वेट करने के लिए रख दिया, पर्टिकुलर आएगा पर्सन वेट करने के लिए जाएगा, जब वो आ गया तो मेडिसिन के आगे पीछे सराउंडिंग, जैसे आपने देखा नहीं होगा मॉल वगैरह में रहता है, जहाँ बिलिंग काउंटर रहता है वहाँ छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं डेली यूजेज की, वह इसलिए रखी जाती हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को अगर याद भी न रहे ना तो देख के परचेज कर ले। यही सेम स्ट्रेटजी आपको अपने फार्मेसी के अंदर यूज करना है, एल सेम में फार्मेसी को बनाना है, काउंटर ऐसे और ऐसे, और कस्टमर को अंदर तक जाते रहना है, और वहाँ पे आप डिस्प्ले जो करेंगे वो ओटीसी कैटेगरी करेंगे, पीडिया केयर करने वाले हैं, गायनी केयर करने वाले हैं, ताकि जब कस्टमर वहाँ तक वे करने के लिए जाए ना, वेट करने के लिए, तो उसको कुछ दिखता जाए और उसके मन में बन जाए कि यार मुझे कुछ परचेज करना है जो उसकी ज़रूरत की चीज़ हो। भाई 50 लोग 100 लोग अगर वेट कर रहे हैं उसमें 2-4, 5%, 10% कन्वर्जन तो आपका होगा ही होगा, राइट। तो उससे भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करें फ्रेंड, बिजनेस इन द सेंस फार्मेसी के अंदर, वो है आपका पैथोलॉजी। अगर आप पैथोलॉजी के साथ टाई अप कर लेते हैं, जो कि बहुत आसानी के साथ हो जाता है, लोकल पैथोलॉजी के साथ, वहाँ पे आप 20% से लेके 30%, 40% तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस आपको पैथोलॉजी वाले के साथ टाई अप करना है और जहाँ पे आपकी फार्मेसी है वहाँ सोसाइटी में स्प्रेड कर देना है, बाहर ऊपर एक बोर्ड लगा देना है। किसी बड़े फार्मेसी वाले के साथ, सॉरी बड़े पैथोलॉजी सेंटर के साथ नहीं जाना है, वरना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। जैसे कि लाल पैथोलॉजी करे, इस टाइप इनका सेटअप करने के लिए पूरा एक कमरा चाहिए होता है, 5-7 लाख, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बट सेम टाइम अगर आप जो है अपने लोकल पैथोलॉजी के साथ कलेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन सेंटर, अगर आप लेते हैं तो यहाँ आपको कोई खर्चा नहीं होने वाला होता है। बस एक ब्लड निकालने वाला पर्टिकुलर पर्सन आप रख दीजिए, वो ब्लड निकाल लेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, पैथोलॉजी लैब में भेज देगा, रिपोर्ट आ जाएगा, प्रिंट आउट निकालिए, कस्टमर को दे दीजिए। और ये सीजन बदलने में बहुत तेज काम करता है। इस समय वायरल खूब चला हुआ है,
ठीक है, तो ब्लड टेस्टिंग बढ़ गई है। ऐसे मार्च में जिस समय सीजन चेंज होता है फिर पैथोलॉजी, मतलब बीच बीच दो चार बार सीजन ऐसा, कभी डेंगू बढ़ गया है, कभी मलेरिया बढ़ गया है, कभी टाइफाइड बढ़ गया है, कभी वायरल बढ़ गया है, कभी कुछ हो गया, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। साल में एक दो बार सीजन ऐसा होता है जो पीक पे जाता है। अब उतने टाइम में आप पूरी कमाई निकाल लेंगे बहुत आसानी के साथ, ऐसा नहीं कि डेली डेली चलता रहेगा पैथोलॉजी, नहीं। अगर आप बना के रखे हुए तो फ्रेंड एक साल में एक बार भी सीजन अगर आपको मिल गया ना, बहुत अच्छा खासा पैसा आप निकाल लेंगे, राइट। तो आप एक चीज ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका किसी ऐसे जगह पे है जहाँ दूसरी शॉप्स नहीं अवेलेबल है, तो आप जनरल आइटम भी रख सकते हैं, जैसे पानी की बॉटल है, ये सब चीज़ें अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ सेल हो सकता है, तो पानी की बॉटल हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, रिचार्ज कूपन्स हो गया, बैलेंस निकालने वाला हो गया, आधार कार्ड से बैलेंस निकाल सकते हैं, इस टाइप का अगर इन्वायरमेंट सोसाइटी आपके हैं जहां लोगों की नीड है किसी सोसाइटी के बाहर है, तो इस टाइप की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, वेफर्स को सेल कर सकते हैं, ये बहुत सारे फार्मेसी वाले करते हैं, यहां भी अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैसिलिटी है वो आप कर सकते हैं फ्रेंड, होम डिलीवरी कर सकते हैं, और होम डिलीवरी आप अपने दुकान पर डिस्प्ले कर दीजिए, लेकिन होम डिलीवरी का सबसे बेस्ट तरीका है आप सोशल मीडिया पर जाइए। आप अपने फार्मेसी से रिलेटेड जो है आप एक काम करिए, सोशल मीडिया लिंक्स क्रिएट करिए, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, यहाँ पे आप डेली कंटेंट डालने की कोशिश करिए, जिससे क्या होगा ना आपको ऑडियंस वहाँ पे कनेक्ट होगी। जैसे कि आपने क्रिएट कर दिया एक घर में इमरजेंसी किट तैयार कर दी, भाई ये 500 रुपए का मैंने इमरजेंसी किट तैयार किया, एक बॉक्स लिया उसके अंदर इमरजेंसी मेडिसिन ऐड कर दिया और किट बना दिया आपने, भाई नियर बाई में जो लोग हैं आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि यार इस टाइप का किट मेरे पास में अवेलेबल है, घर में सभी लोगों का इमरजेंसी, पता नहीं किस चीज़ की कब जरूरत पड़ जाए, ये किट मेरे पास से आप परचेज कर सकते हैं, इसके अंदर सारी नेसेसरी जवान मेडिसिन जो है हमने ऐड कर रखा है। ऐसे आपने लो बैक पेन का एक किट बना दिया, स्पॉन्डिलाइटिस का एक किट बना दिया, डाइजेशन का एक किट बना दिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे जो लोगों की जनरल प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मैं बोलूं कि जो जनरल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम हमारी है, ठीक है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को लोग बैक, इस टाइप की जो जनरल प्रॉब्लम आती है उसके डिफरेंट डिफरेंट किट बना दिया। अब इस किट को ना आप अपनी वेबसाइट बना के भी रख सकते हैं, वेबसाइट आप मुझसे बनवा सकते हैं, बहुत सस्ते में हम लोग बना देते हैं, ओनली 20-30 जैसे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट रहता है, 20-30,000 के अंदर आपकी वेबसाइट बन के उसके अंदर ई कॉमर्स तरह यूज भी कर सकते हैं। बाकी आप सोशल मीडिया पे इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं और ऑल इंडिया शिपिंग की फैसिलिटी भी दे सकते हैं, किसी भी कुरियर कंपनी के साथ टाई अप करके इस तरीके से फ्रेंड ऑल इंडिया लेवल पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी फार्मेसी के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इन चीज़ों को करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है, और प्रैक्टिस में ले आने के बाद इसको एडवर्टाइज करना है, ठीक है, मार्केटिंग करना है सोशल मीडिया के थ्रू या अपने दुकान के अंदर टीवी लगा के, ठीक है। चलो, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आए होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपके जरूर काम के निकलेंगे इसके अंदर अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो। और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। बाय।